तो फीलिंग की कुछ बात चल रही थी हमारे साथ में, एक मंत जी हैं जो फीलिंग के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन अपना दे देंगे। फीलिंग के लिए ना अंदरूनी भाव बदलने जरूरी है, व्यक्ति का जो जो कहते हैं ना वो करने में उतारना जरूरी है, नहीं तो सब बेकार है। पूरी बात कहे बिना मत जाओ जी, क्योंकि अगर आप कुछ कहने लगे हो तो क्या आपने बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनकी फीलिंग पर कुछ तो असर पड़ेगा नहीं इस बात में। वो तो बात आपकी ठीक है, बाकी वैसे बहुत अभी हमारे को है ना आगे बढ़ने के लिए बहुत सीखने की जरूरत है। आंतरिक भाव से यह देखम दे बाहर सीन, मतलब आउटवर्डली ब्यूटी नहीं चाहिए जो बाह्य तौर से, इंटरनल हाँ पर्सनैलिटी अंदर से इम्प्रूव होनी चाहिए। इंटरनली पर्सनैलिटी शुड बी इम्प्रूव्ड, नॉट एक्सटर्नली। बाकी वैसे असर तो पड़ता है, लेकिन असर तब पड़ता है, असल रियल असल उसको बोलते हैं जब हम किसी चीज को करने में पेश करेंगे ना प्रत्यक्ष रूप से, ये कहने मात्र से नहीं, जीवन को बदलने पूरी सोसाइटी को चेंज करने के लिए उसको करने में इम्प्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, न कि आप कहने मात्र से तो कुछ होने वाला है ही नहीं। यानी कि अपने आप को अंदर से चेंज करें अगर बिल्कुल कुछ करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, और अंदर से चेंज क्या करना है, जो अंदर के भाव है ना उनको लागू करो, जीवन में उतारो। जैसे स्कूल में अध्यापक बोलता रहता है कि बीड़ी नहीं पीनी चाहिए या जो भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि वो करते हैं, अगर उनका पूरा का पूरा जीवन उस बच्चों के सामने है, एकदम पूरा ब्लेस्ड लाइफ जिसको बोलते हैं कि ये लाइफ है जीवन में लागू करने के, अगर ऐसा होता तो चेंज होते देर नहीं लगती, अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं भाई। अपना आप में काफी बदलाव की जरूरत है, गुरु जी यहाँ काफी बढ़िया बात बताई है, तो एक्सटर्नल पर नहीं इंटरनल पर ध्यान दो, ठीक है नहीं? क्योंकि इन चीजों के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है ना, बिल्कुल एकाग्रता की कोई भी चीज अगर आपने मेमोरी इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आपकी कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी कंपल्सरी टू डेवलप योर इंटरनली एंड एक्सटर्नली एज वेल एज नॉलेज, ये सभी चीजें जरूरी है ना। नॉलेज बुद्धि का विकास कब होगा, जब आप किसी चीज को समेट लोगे, संग्रह जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करना है तो उसको सीमित वे करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे दायरा बनाना पड़ेगा, तो मतलब कंसंट्रेशन एक बात हो रहा है। इससे तो गुरु जी बात ये हुई ना, क्योंकि कॉलेज में जाने से तो ज्ञान बिल्कुल नहीं आता, नहीं आता है, इसमें अंतर है। जैसे आप ये इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ। कॉलेज में जो पढ़ाने वाला होगा ना, अगर उसकी रियल नॉलेज और उसकी पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी दो किस्म की होती है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाह्य और आंतरिक। तो जब आदमी जो कह रहा है, जो सारा सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से है, मन से विचार उठेंगे, फिर वो जीवा पे आएंगे, जीवा पे आने के बाद फिर वो समाज में फैलेंगे, अर्थात वो कर्मी में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू प्रैक्टिकल। जब हम मान लीजिए मोटरसाइकिल बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रैक्टिकल, देन आफ्टर थ्योरी इज रिटन, थ्योरी इज कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिकल। वो अंदर से आते हैं ना, फिर लिखते हैं ना, ये लिखा गया है, लिखा वो भाई इतना वेट है, इतना डाया है, सारा का सारा इतना क्यूबिक इसका इंजन है, तो सारा का सारा फिर वो पहले प्रैक्टिकल किया जाता है, फिर थ्योरी में कन्वर्ट किया जाता है, थ्योरी इज कन्वर्ट इनटू प्रैक्टिकल। ये पहले दिमाग में तस्वीर बनती है, बाद में उसको ट्राई किया जाता है, ट्राई करने के बाद फिर प्रोडक्ट बनता है। जो जो सूक्ष्म चीज होता है, इट मींस माइक्रो, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी कंपल्सरी, एज इट मींस जो मोबाइल फोन, इट मींस हार्डवेयर कैन बी सीन बाई आईज, यस विजुअल, जो नॉट सॉफ्ट एज ए सॉफ्टवेयर, इट मींस फिजिकल 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 आइटम्स, जैसे वीडियोग्राफी, यस देन सॉफ्टवेयर, इट मींस थॉट्स सो एंड सो, दीज थिंग्स आर स्पेशली एज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अंदर की चीज होगी, यस यस, हार्डवेयर बाहर की चीज, यस यस, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन, वो दिखाई नहीं देता, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज।
या तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें है ना, जो मूलभूत चीज है वो क्या है, वो है आंतरिक। आंतरिक तौर से जब विचार उठेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, ये पांव को आदेश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। टू डेवलप ऑल एस्पेक्ट, हर लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपने अपनी मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा। और ये माहौल पे इस इर्द गिर्द देखो कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उस कितने बड़े बड़े सत्संग लगते हैं, लेकिन लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि कहने वाला इट इज ओनली फॉर सेइंग नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये सिर्फ कथन मात्र तक ही सीमित है, ये लागू करने के लिए नहीं है। और लागू होता क्यों नहीं? क्योंकि जो कहने वाला है वही लागू नहीं कर रहा, तो कैसे होगा सुधार? हो ही नहीं सकता, नेवर बी पॉसिबल। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। अपने अंदर काम करें, बाहर नहीं, क्योंकि पहले अंदर काम होगा फिर बाहर होगा।